नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है कि उनका जो एमएस ऑफिस है, ऑफिस 2007, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसको जब हम यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, कोई फाइल बना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, और हमें उसे जो है पीडीएफ में सेव करना होता है, तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर अलग अलग टूल्स का यूज़ करना होता है। और ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि कोई भी पीडीएफ जो होता है उसका साइज थोड़ा सा चेंज या ऊपर नीचे हो जाता है, और हम चाहते हैं कि हमारे एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट में यहीं पर पीडीएफ का ऑप्शन आ जाए। जब हम सेव एज पर जाते हैं, सेव एज पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहीं पर आपको लिखा आ जाएगा सेव एज पीडीएफ। तो दोस्तों इसको कैसे करना है, इसके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना होगा। उसका नाम है सेव एज पीडीएफ। जब आप दोस्तों यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और आप इस टूल्स पर जाएंगे नीचे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। हम उसको कैसे लेकर आएंगे ये हम आपको बता देते हैं। हमको चलना होगा यहाँ, और गूगल पर चलने के बाद हमको यहाँ लिखना है सेव एज पीडीएफ ऑफिस 2007, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग 2007 पीडीएफ चला रहे हैं, क्योंकि 10 में, 13 में, 16 में, 19 में पीडीएफ का ऑप्शन जो है और MP4 बनाने का ऑप्शन वहीं से बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस से आ रहा है, क्योंकि 7 में नहीं है दोस्तों। तो हमें यहाँ लिखना है सेव एज पीडीएफ ऑफिस 2007, और ये जो ऑप्शन पे आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक वर्जन दिख रहा है जो कि 956.34 KB का ये जो ऑप्शन है, और इसको जो है यहाँ से हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। ये देखिए दोस्तों, ये जो है हम जाकर यहाँ पर इसको डाउनलोड कर रहे हैं, और ये जैसे ही डाउनलोड होगा तो हम इसको सिस्टम में रन करा देंगे। ये देखिए ये आ गया है दोस्तों, जो डाउनलोड हो रहा है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमने इसको यहाँ से जो है रन करा दिया है। रन कराने के बाद जो है हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों ये जो है थोड़ा सा समय लेगा, और जैसे ही ये यहाँ से जो है कहते हैं कि इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद हमें हमारे ऑफिस को भी जो है यहाँ से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ऑफिस है इसको हम यहाँ पर आपको ऑप्शन ला के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको रीस्टार्ट भी नहीं करना पड़ा, और आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन आ गया है पीडीएफ और एक्सपीएस का। आप यहाँ से इसका जो है पीडीएफ आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों पीडीएफ बनेगा कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज़, ये मैंने बना दिया है दोस्तों। अब मैं जब इसको सेव करने के लिए जाऊँगा, या फिर मैं यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ, सेव एज पर जाने के बाद मैं यहाँ नीचे क्लिक करूँगा, तो अभी ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, और देखिए ये पीडीएफ का ऑप्शन आ गया है। मैं जैसे ही इस पीडीएफ पर क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा दोस्तों, तो अब ये पीडीएफ ओपन होगा, और देखिए ये पीडीएफ बन गया है, हेलो माय नेम इज़ विवेक। तो इस तरीके से आप दोस्तों ऑनलाइन पीडीएफ भी आसानी से बना सकते हैं, और ये ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका है। इससे आपके डॉक्यूमेंट का साइज चेंज नहीं होगा, पीडीएफ कुछ अलग साइज में नहीं बनेगी, और जिस डॉक्यूमेंट को जैसा भी आप पीडीएफ में बनाना चाहते हैं आसानी से बना सकते हैं। अब हर बार ये ऑप्शन आपको यहीं पर सेव एज पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।